good morning students i hope all are fine today we are going to start our chapter number 11 money money means rupiah or paisa before starting this chapter i have i want to show something notes and coins okay so these are the coins and these are the notes okay we need money to uh, purchase things okay so these are the coins and these are the नोट्स दिस इज़ द रुपी टेन रुपीस फाइव रुपीज टू रुपीज वन टुपीज टेन क्वाइंस रुपीज फाइव कॉइंस रुपीज टू क्वाइंस एंड रुपीज वन कॉइंस एंड पचास पैसे ओके फिफ्टी पैसे एंड इन नोट्स वी हैव रुपीज फाइव रुपीज टेन रुपीज ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज हंड्रेड रुपीज फाइव हंड्रेड एंड रुपीज टू हंड्रेड ओके so these are the notes and these are the coins okay students we need money because we have to purchase things and uh, we need many kinds of things okay uh, so these uh, these are the money okay now start at the bank टीना सोनू एंड सीमा हैव अकाउंट्स इन अ बैंक दे हैड वे वेंटद विथ देअर पेरेंट्स टू विदड्रॉ मनी दे द फॉलोइंग अमाउंट्स. टीना सोनू एंड सीमा हैव अकाउंट इन बैंक टीना सोनू एंड सीमा के पास एक अकाउंट है और वो कहाँ पर पा, उनके पेरेंट्स के साथ मनी विद्रो करने जाते हैं मैंने पैसे निकालने जाते हैं बैंक से और वो निकालते हैं टीना रुपीज़ वन हंड्रेड फ निकालती है सोनो वन हंड्रेड एट्टी रुपीज निकालता है और सीमा रुपीज नाइंटी निकालती है ओके सो हेयर इज गिवन मैच कॉलम नाउ वी है टीना सो टीना विद्रो वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ओके सो वी है ट्वेंटी रुपीज एंड टेन रुपीज़ सो हंड्रेड एंड फिफ्टी तो टीना वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ विदड्रो करती है सो हंड्रेड और फिफ्टी रुपीज़ कितने हो जाएंगे वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ सो वी विल मैच फ्रॉम दिस ओके एंड सीमा सीमा विद्रो करती है नाइन्टी रुपीज़ ओके सो नाइन्टी फिफ्टी एंड ट्वेंटी सेवेंटी सेवेंटी एंड ट्वेंटी नाइन्टी वी विल मैच फ्राम दिस सोनू 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 विड्रो करता है वन हंड्रेड एट्टी रुपीज सो वी विल मैच फ्रॉम दिस ओके नाउ नोट्स एंड क्वाइंस यू नो डेट मनी कम्स इन द फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ नोट्स एंड क्वाइंस इन इंडिया क्वाइंस कम्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स हमारी जो इंडिया की करेंसी होती है वो क्या होती है रुपीज़ होती है ओके इंडियन करेंसी क्या है रुपीज एंड हमारे इंडिया में जो कॉइंस होते हैं वो इस इसमें आते हैं इस फॉर्म्स में आते हैं ओके सो दि दिस इज़ टेन रुपीज़ कॉइंस फाइव रुपीज़ कॉइंस टू रुपीज कॉइंस एंड वन रुपीज़ कॉइंस एंड फिफ्टी पैसे ओके इन इंडिया नोट्स कम्स इन द फॉलो वैल्यूज और नोट्स इस वैल्यूज़ में आते हैं फाइव रुपीज़ टेन रुपीज़ ट्वेंटी रुपीज़ फिफ्टी रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ एंड टू थाउजेंड ओके सो वी नो दैट रुपीज़ वन इज़ इक्वल हंड्रेड पेसा सो वन रुपीज़ इज इक्वल फिफ्टी पेसा प्लस फिफ्टी पेसा नाव वी नो रुपीज़ वन वील मैक हंड्रेड पेसा ओके किससे बनता है वन रुपीज़ जो बनता है वो फिफ्टी पैसे सॉरी हंड्रेड पैसे से बनते हैं मतलब वन रुपीज में कितने पैसे होते हैं हंड्रेड पैसे होते हैं ओके नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर एलेवन पॉइंट वन बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू राइट डेट 30 of december 2020 filling the blanks we have to make rupees 100 we have given rupees 10 plus rupees 50 50 and 10 60 now 60 now we will we want 40 rupees more okay so we will write here for rupees 40 and rupees for, sorry rupees 20 we have 20 rupees note so we will write here 20 and 20 okay 20 and 20 40 okay now we have to make rupees 38 so rupees 20 plus 5 rupees 5 20 and 5, 5 25 now we will take rupees 10 rupees 2 and rupees 1 so 20 and 5 25 10 35 35 and 2 37 and 1 38 okay next i am leaving for you you have to do okay next is writing rupees and paise we write 1 rupees as 1.00 okay here you see a point dot between 1 and 0 वी आर watching अ पॉइंट बिटवीन वन एंड जीरो ओके दिस पॉइंट ओ dot सेपरेट द rupees from द पैसे ये पॉइंट क्या करता है पैसे को सॉरी रुपये को पैसे से सेपरेट करके रखता है अलग अलग रखता है टू राइट टू रुपीज एंड सिक्सटी पैसे पुट द डॉट एज इन रुपीज टू पॉइंट सिक्सटी वैन वी पुट द पॉइंट ओ डोट वी डू नोट राइट पैसे ओके जब हम क्या करते हैं कि हम डॉट लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं हम डॉट लगाते हैं तो हम पैसे नहीं लिखते हैं ओके सो फाइव रुपीज़ सेवेंटी फ़ाइव पैसे कैसे लिखेंगे फाइव डॉट सेवेंटी फाइव मीन्स की फ़ाइव रुपीज़ सेवेंटी फ़ाइव पैसे ओके सेवन रुपीज़ फिफ्टी पैसे सेवन डॉट फिफ्टी मीन्स सेवन रुपीज़ फ़िफ्टी पैसे ओके सो वी कैन अंडरस्टैंड इन आवर एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट टू राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म विथ अ डॉट अब हमको क्या करना है इनके बीच में डॉट लगाना है ओके okay. और सब इनके इसके पहले क्या आएगा रुपीस लिखेंगे हम सो एट रुपीज वन हैज़ बिन डन विथ फोर यू फोर अर्स नाइन रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैसे नाइन रुपीज़ नाइन डॉट ट्वेंटी फाइव नाइन रुपीज़ ट्वेंटी फाइव Paise. okay now we have to write b number 8 rupees 40 paise so we will write first rupees 8 and 40 paise we will not write paise okay only write rupees and dot paise 40 okay next is 11 rupees 30 paise so we will write rupees 11 dot 30 paise okay now i am leaving d and e for you okay for your practice now next question is write the following in expanded forms now we have to write in expanded form rupees 9.35 okay so 9 rupees 35 paise now se second number is rupees 14.25 paise okay so we will write here Fourteen rupees twenty-five paisa. In expanded form, we will write like this, okay. And in short form, we will write like this, okay. Students, next C, D, and E. I am leaving for you because for your practice, you have to do. Okay. Take the correct option. Rupees nine. रुपीज नाइन डॉट ट्वेंटी फाइव पैसे सो वी हैव टू टिक करेक्ट आंसर नाइन रुपीज एंड ट्वेंटी फाइव पैसे नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ नॉट दिस इज दिस वन इज़ करेक्ट बिकॉज नाइन रुपीज एंड ट्वेंटी फाइव पैसे ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट इज रुपीज़ वन हंड्रेड नाइनटीन डॉट जीरो फाइव पैसे वन हंड्रेड नाइनटीन रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसे 119 rupees and 5 paise. So, this one is correct because here is given 5 paise. Okay. Okay. I am leaving C and D for you. Okay, students.